सो बच्चों गुड इवनिंग।
One and all, so 20 students are watching me live now. बच्चों अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, if my voice is clear, my picture is clear, आप प्लीज बताएं मुझे चैट करके. So देखते हैं कौन कौन ऑनलाइन है. नेहा, देवेंद्र, राजा कुमार, अंजलि, चंदन, निधि, पुष्पित, गुड इवनिंग ऑल, आशीष शर्मा. वाह, ऑल क्लियर, वेरी गुड. राजा कुमार थैंक यू, आशीष शर्मा, दीपक कुमार, ग्रेट. सो 20 स्टूडेंट्स आर वाचिंग मी लाइव नाउ. एके इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो आपका नाम क्या है बेटा. एके एस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी. अभिषेक विश्वकर्मा, वेरी गुड, गुड इवनिंग. सो टोटल बच्चों 20 बच्चे मुझे देख पा रहे हैं. मैं देख पा रहा हूं कि 20 लोग ऑनलाइन है या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर लाइव देखेंगे तो. चलिए एनीवेज, तो बच्चों कल हमने बात किया था पहला लेक्चर जिसमें हमने जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसमें पहला जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी थी जिसके हमने मैंने बारे में पढ़ा, नाम था उसका स्पीसीज. तो स्पीसीज में बच्चों हमने पढ़ा कि सलमा पडानिया, ओके थैंक यू, थैंक यू सलमा, वेलकम इन आवर क्लास. ये जस्ट इनिशिएटिव है बच्चों के लिए क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चे क्लासरूम में नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाए. सलमा तो आप मेरी पुरानी स्टूडेंट रही हैं, मैंने आपको पढ़ाया है. सलमा इज ऑलरेडी डूइंग एमबीबीएस एंड शी इज ज्वाइनिंग माई क्लास टूडे. थैंक यू सलमा, मोस्ट वेलकम. सो नाउ 25 स्टूडेंट्स आर देयर. ओके, सो लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमने बात किया था. सो मेरे बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा, मोर देन 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए एमबीबीएस कर रहे हैं, बहुत सारे कर चुके हैं, है ना. तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं पढ़ा पाऊं आपको शायद मदद कर पाऊं आपको नीट क्रैक करने में. मैंने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं. तो स्पीसीज के बारे में हमने बात किया था कि स्पीसीज क्या होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे. और शॉर्ट में रिकैप करता हूं जब तक सारे लोग लाइव होते हैं. यस शर्मा, सेम ईयर, आप दोबारा से क्लास में अटेंड कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. तो स्पीसीज के बारे में मैंने बात किया था कि ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, उनमें ब्रीडिंग हो सकती है और उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी क्या होंगे, फर्टाइल होंगे, तभी उसको हम स्पीसीज बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे. तो उसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे लाइक लाइगर, टिग्लॉन, म्यूल एंड हिनी. और आपको ये भी बताया था कि जो लाइगर अगर है तो उसका जो पहला नाम शुरू होगा वो पहला जो होगा एल, वो जो भी पहला होगा वो मेल का होगा और बाद का जो होगा वो फीमेल का होगा. मीन्स लाइगर में आप नाम से ही पता चल जाएगा कि इट इज किससे बना हुआ है, मेटिंग से, मेल लायन और फीमेल टाइगर, मीन्स टाइग्रेस से. टिग्लॉन की बात करें तो मेल टाइगर और फीमेल लायनेस, लाइनस बोलिए फीमेल लाइन बोलिए. और डंकी और हॉर्स, डंकी मेल, हॉर्स फीमेल, जिसको जैक और मियर बोलते हैं उससे बनेगा आपका म्यूल. और स्टैलियन और मेल हॉर्स को हम बोलेंगे स्टैलियन और फीमेल डंकी को हम बोलते हैं जेनी, उनसे मिलता बनता है आपका हिनी. और ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टराइल होते हैं. किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सारे केसेस में नहीं होते, हाँ एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो मेल होता है वो तो हमेशा स्टराइल होते हैं, देर इज नो, जहां तक मुझे पता है अभी तक कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है. लेकिन जो फीमेल होती हैं वो कुछ केसेस में फर्टाइल हो सकती हैं. लेकिन आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि अगर आप गूगल पे जाओगे बेटा तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. मैंने सिर्फ चार आपको बताए हैं जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. तो 25 स्टूडेंट्स ऑनलाइन, चलिए सारे लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा. स्पीसीज में अलग अलग टाइप्स आपको बताए थे कि बच्चों मॉर्फो स्पीसीज होती हैं जो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम बोलते हैं कि ये नई स्पीसीज हैं. देन आपको बताया था सिबलिंग स्पीसीज, मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम कल इस पर बात कर चुके हैं. तो इसमें आपको बताया था कि जैसे मॉस्किटो की अगर हम देखें, एनोफिलीज की दो वैराइटीज देखी थी हमने, दो स्पीसीज देखी थी, देख के एकदम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखती हैं लेकिन वो ब्रीड नहीं कर सकती.
ड्रोसोफिला की दो स्पीसीज आपको बताई, वो देख करके आपकी स्क्रीन के सामने वो देखने में सेम लगती है लेकिन वो ब्रीड नहीं कर सकती, तो ऐसी को हम बोलते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो लेकिन ब्रीडिंग ना कर पाए, तो उनको हम बोलते हैं सिबलिंग स्पीसीज। फिर आपको बताते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज की, कभी ऐसा हो कि एक ही स्पीसीज जो पॉपुलेशन है उसके बीच में कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए। ये जो कल लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया था, कल शायद कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से लेक्चर नहीं देर से लोग अटेंड कर पाए थे, तो इसलिए बच्चों मैं वापस में शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। आप जो बोर हो रहे होंगे, बस आने वाला हूँ बस थोड़ी देर में है ना। तो अभी देखिए नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, नाउ 27 आर वॉचिंग मी लाइव। ये नंबर को बढ़ाना है बस, हमको इसको कम से कम 200 तक लेके जाना है मिनिमम। तो इसीलिए इसको आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो एजुकेशन है उसमें किसी का हक नहीं है वो सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मुझे मैं तो उतना ही बोलूंगा, अकेले को पढ़ाऊंगा तो भी 1000 लोग होंगे तो भी, इसलिए हमने ओपन प्लेटफॉर्म चूज किया है, देयर इज नो बैरियर ऑन द एजुकेशन, है ना। तो सारे लोगों को फैलाइए इसको, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए और मेरी जो मेहनत है वो सोसाइटी तक पहुंच पाए। तो एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या होगा बच्चों, एलोपैट्रिक में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो सेम एरिया में रह रही है लेकिन बीच में कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, कोई नदी आ गई, कोई पहाड़ आ गया, और वो हमेशा के लिए बहुत दूर चले गए और उन्होंने अपने क्लाइमेट को अपने क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, और टाइम बीइंग हजारों लाखों सालों में वो एक अलग स्पीसीज बन गए, उनमें ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जब स्पीसीएशन होता है इसको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीएशन, मतलब आपको याद रखना है कि ये स्पीसीज जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से बनती है। नेक्स्ट आपको बताता था सिंपैट्रिक स्पीसीज, सिंपैट्रिक स्पीसीज में ये होता था बच्चों, नेहा जोशी ओके वेलकम, तो ये स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन साथ में रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बैरियर वगैरह नहीं आता है, लेकिन बस बीच में होता क्या है कि पॉलीप्लॉयडी होती है, हम लोग डिप्लॉयड हैं, ऐसे जो प्लांट है अगर डिप्लॉयड है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता, तो उसमें क्या हो जाता है वो टेट्राप्लॉयड रह जाता है। तो टेट्राप्लॉयड हो गया, तो टेट्राप्लॉयड क्योंकि प्लांट है सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता है तो टेट्राप्लॉयड प्रोजेनी देने लगता है, तो सेम प्लांट की डिप्लॉयड भी प्रेजेंट होगा और टेट्राप्लॉयड भी प्रेजेंट होगा। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन एनिमल के केस में ऐसा बहुत रेयर होता है। तो सिर्फ जो आपका सिंपैट्रिक है साथ में रहेगा, कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होगा, लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बच्चों बताया था मैंने कल पेरिपैट्रिक स्पीसीज, पेरिपैट्रिक स्पीसीज में आपको यह बताया था कि जब ये भी टाइप ऑफ एलोपैट्रिक स्पीसीएशन ही है, बस क्या हुआ कि पेरिफेरी में मतलब साइड में थोड़े से ऑर्गेनिज्म क्या हुए सेपरेट हो गए, जियोग्राफिकल बैरियर हो गया, जो पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही कम है, है ना। तो ये बाद में भी ये भी अलग स्पीसीज बन जाते हैं, इनको बोलते हैं पेरिपैट्रिक स्पीसीज। और लास्ट में आपको बताया था पैरापैट्रिक स्पीसीज, पैरापैट्रिक स्पीसीज में भी क्या होता है कि एक कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आता। मैंने एग्जाम्पल कल दिया था बहुत सिंपल तरीके से आप समझ पाए, तो एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए आपको बताया था कि एक मान लिया बहुत बड़ी लेक है या बहुत बड़ी नदी है, तो उसमें क्या होता है एक कोई एरिया है जहां पर बहुत सारा पॉल्यूशन है, बाकी जगह फ्रेश वाटर है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन है, तो वहां पर जो पॉल्यूशन है तो वहां की जो फिश है सेम मान लिया रोहू, जैसे एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ रोहू फिश, जैसे इमेजिन करिए तो रोहू बाकी फ्रेश वाटर में भी होगा गंदे पानी में भी होगा। अब ये पॉल्यूशन के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे और टाइम बीइंग हो सकता है इन फ्यूचर बच्चों कि उनके अंदर क्या हो जाए कि जो पॉल्यूशन में रह रही है फिश उनके अंदर थोड़े थोड़े एडेप्टेशन के हिसाब से उनके अंदर चेंजेस हो जाए और आने वाले हजारों लाखों सालों के बाद वो एक अलग स्पीसीज बन जाए। तो पैरापैट्रिक स्पीसीएशन कब होता है जब उनके अंदर बिहेवियर में चेंज हो जाता है ड्यू टू क्या टेम्पोरल आइसोलेशन ऐसा बोल सकते हो या बिहेवियरल चेंजेस बोल सकते हो, तो इसको बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पीसीएशन। टेट्राप्लॉयड मीन्स बेटा बहुत सिंपल है, टेट्राप्लॉयड आयुषी पूछ रही है टेट्राप्लॉयड क्या होता है, तो बेटा जब ही हैप्लॉयड होता है डिप्लॉयड होता है तो डिप्लॉयड मीन्स सेम सेट ऑफ क्रोमोजोम अगर दो उसके दो कॉपी प्रेजेंट हो, है ना, डिप्लॉयड तो डिप्लॉयड बोलेंगे, अगर चार कॉपी प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे टेट्राप्लॉयड बोलेंगे। महेंद्र सुथार गुड इवनिंग बेटा, तो टेट्राप्लॉयड का मतलब क्या हुआ कि जो जीनोम जो आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उनकी चार कॉपी आपके पास होनी चाहिए, सेम की चार कॉपी, है ना, पूरा जीनोम की चार कॉपी प्रेजेंट होगी तो टेट्राप्लॉयड बोलेंगे। हम डिप्लॉयड है, हमारा जो स्पर्म है वो हैप्लॉयड है, जो एग है वो हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड प्लांट मिलेगा तो क्या बन जाएगा बेटा डिप्लॉयड बन जाएगा। तो प्लांट जनरली टेट्राप्लॉयड भी होते हैं और प्लांट तो बहुत ज्यादा होते हैं, हेक्साप्लॉयड भी होते हैं, छह कॉपी भी प्रेजेंट होती है उनके पास। तो ये शॉर्ट में आपको समराइज किया था मैंने, जिज्ञासा जांगे ढेरो। सो जो मैंने बताया था आपको एलोपैट्रिक, नाउ नंबर इज इंक्रीज, नो इट्स 30 नाउ, वेरी गुड।
मैं एग्जैक्टली 4:55 को लॉग इन कर दूंगा, मैं दिखूंगा 5 बजे, लेकिन 4:55 को मैं लॉग इन कर दूंगा, ताकि वो 5 मिनट के टाइम पे नेक्स्ट टाइम हमारा टाइम ना बिगड़े बच्चों। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके अपने टाइम का बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक एक सेकेंड की वैल्यू है। इसलिए 4:55 को आप लॉग इन हो जाइए, ट्राई करिए लॉग इन होने का, ताकि हम 5 o'clock को विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर पाए बच्चों। और देखिए मैं अभी देख पा रहा हूँ भी 30 और 29 के बीच में आ रहे हैं नंबर्स। ओके एनीवेज जितने हैं उतने ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेटा समरी है, एलोपैट्रिक बताया था जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से बनते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है नीट में कि एलोपैट्रिक जो सब्सेशन होता है किसकी वजह से होता है, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से होता है। पैरापैट्रिक क्या होता है, पैरापैट्रिक अभी आपको बताया कि बिहेवियरल चेंज आ जाता है, या पार्शियल स्पेशियल आइसोलेशन, मतलब ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा पॉल्यूशन हो गया, और ये पॉल्यूशन में बहुत हजारों साल तक मछलियां रहती रहीं, तो धीरे धीरे उसमें चेंज हो गया। या आप ऐसा मानिए कि ये प्लांट है, ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है आपको ब्लू वाला, ये मान लिया कि एक प्लेन का एरिया है, ठीक है ना, प्लेन सम प्लेन रीजन होता है ना, तो वो है, और ये पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ी एरिया है, और यहां से देखो पहाड़ शुरू होते हैं, तो ये जो एरिया है, तो ये ना ये पूरी तरीके से प्लेन में आता है और ना ये पूरी तरीके से पहाड़ी एरिया में आता है। तो यहां पर जो प्लांट होगा, तो हो सकता है कंडीशन के हिसाब से, अब यहाँ का जो क्लाइमेट होगा बेटा, ये जो हिली रीजन पे क्लाइमेट है और जो प्लेन रीजन में क्लाइमेट है उसके बीच में होगा, यहाँ पर दोनों का मिक्स आपको मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ जो प्लांट की स्पीसीज है और यहाँ पर जो सेम प्लांट की स्पीसीज है, ये यहाँ पर कंडीशन अलग है, और ये जो आपका जोन दिखाई पड़ रहा है जो कि दोनों में कॉमन है, हो सकता है टाइम बींग इसका जो फ्लावरिंग का टाइम हो वो थोड़ा चेंज हो जाए कंडीशन के हिसाब से, तो इसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, तो आगे चल के ये अलग स्पीसीज बन सकता है। तो ये प्लांट में भी हो सकता है बच्चों और एनिमल में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंपैट्रिक एसोसिएशन। सिंपैट्रिक आपको बताया था कि जिसमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी। पॉलीप्लॉइडी मतलब टेट्राप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, ऑक्टाप्लॉइडी, कोई भी प्लॉइडी हो सकती है। आयुष गुड इवनिंग। पेरीपैट्रिक में देखिएगा बच्चों, बताया था कि पेरीफेरी में क्या हो जाता है, पेरीफेरी में इसके अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाएगा, जियोग्राफिकल बैरियर आ जाएगा पेरीफेरी में, मतलब थोड़े से जो पॉपुलेशन है वो अलग हो जाएगी। चलिए ये हमने बात किया था बच्चों, कल का लेक्चर का रिकैप था, मैंने सोचा था कि मैं रिकैप करूंगा तब तक और बच्चे आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा बच्चे आए नहीं, सब 5 बच्चे ही ऐड हुए। एनीवेज धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ेगी और आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हो मेरे, आप लोग जितना ज्यादा इसे पॉपुलराइज करोगे उतना ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। अब हम बच्चों आगे बात करने जा रहे हैं स्पीसीज से ऊपर जब पढ़ेंगे, तो स्पीसीज के अंदर में, स्पीसीज में क्या होता है, जैसे हम होमोसैपियंस हैं, तो होमोसैपियंस तो सैपियंस हमारी स्पीसीज है, आप भी होमोसैपियंस हो, मैं भी होमोसैपियंस हूँ, ठीक है ना, तो हमारे अंदर सिमिलरिटी कितनी ज्यादा है भाई। जो भी हम आगे चल के फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो मेरा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग नहीं होगा, जैसा मेरा होगा वैसा ही आपका होगा, एकदम 100% सेम, क्योंकि हमारा जो जीनोम है वो 99.99% सेम है, सिर्फ 0.01% ही डिफरेंस है हमारे डीएनए में और आपके डीएनए में, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो अब हम क्या काम करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, हम स्पीसीज से आगे बढ़ेंगे। अब बहुत सारी स्पीसीज को हम एक ग्रुप में रख देते हैं, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वहां पे आ गया जीनस। तो एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आ जाती है। अब ऑबियस है, एक स्पीसीज है, दूसरी स्पीसीज है, तीसरी स्पीसीज है, तो एक स्पीसीज के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी होगी। दो अलग अलग स्पीसीज होंगी तो उनके अंदर क्या होगी, सिमिलरिटी थोड़ी कम होगी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पर देखिए पैंथेरा लियो, क्या है ये, लायन, याद रखिएगा साइंटिफिक नेम आपको याद रखना चाहिए। पैंथेरा लियो, लियो इज अ स्पीसीज। पैंथेरा पर्डस, लेपर्ड, लेपर्ड मतलब तेंदुआ बोलते हैं उसको हिंदी में, लेपर्ड मतलब तेंदुआ। पैंथेरा पर्डस, आप लोगों के क्वेश्चन होंगे तो बेटा पूछते रहना बीच बीच में, तो पैंथेरा पर्डस उसको लेपर्ड बोलते हैं। पैंथेरा टाइग्रिस, ये क्या हुआ, टाइगर। तो आप देखते हैं जो शेर है, लायन है, तेंदुआ है और टाइगर है ना, तो इन सबकी स्पीसीज अलग अलग है लेकिन जीनस क्या हुआ, सेम हुआ। इन सब के जीनस किस में आ गया बच्चों, सेम आ गया, और जीनस हमने रख दिया पैंथेरा। तो एक पैंथेरा के अंदर बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, हो सकता है एक ही जीनस भी हो सकता है, पॉसिबल है। दूसरा देखिए पोटैटो, अगर हम बॉटनी का एग्जांपल लें, प्लांट का एग्जांपल लें बच्चों, तो देखिएगा पोटैटो
में क्या हो जाएगा, उसका बॉटनिकल नेम आप देखिए, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द पोटैटो, याद रखना। और ब्रिंजल, जिसको हम ब्रिंजल को हम एग प्लांट भी बोलते हैं, EGG एग प्लांट, इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलानोजेना, सोलेनम मेलानोजेना। तो सोलेनम जो ट्यूबरोसम है और मेलानोजेना है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन जो जीनस है वो क्या है बच्चों, सोलेनम है। ऑलराइट, दो दे कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट स्पीसीज बिलोंग टू द सेम जीनस। तो इसकी बेसिस पर अगर हम देखें, आप देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई पड़ेगी, ये आपको पिक्चर देखिएगा, इसमें ये जीनस पैंथेरा, एक जो पैंथेरा जीनस है इसके अंदर में देखिए तीन कैटेगरी मैंने रखी है, पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर हुआ, पैंथेरा लियो मींस लायन, पैंथेरा पैडस मतलब ये क्या हो गया आपका, ये लेपर्ड तेंदुआ हो गया, है ना, ये पेड़ पे चढ़ जाता है, ये हो गया पैंथेरा पैडस। जबकि दूसरा अगर हम जीनस देखें, ये जीनस है फेलिस, जीनस फेलिस को हम कैट कैटेगरी का मानते हैं, ये आप देखो देखो फेलिस डोमेस्टिकस, ये आपकी घरेलू बिल्ली है हाउ डोमेस्टिक कैट बोलते हैं इसको, जिसको जो हमारे घरों में पाई जाती है, इसको हम पाल सकते हैं, इसको इसको हम पेट बना सकते हैं। दूसरा देखिए फेलिस चाउस, फेलिस चाउस क्या है बच्चों, ये जंगली कैट है ना, ये जंगली कैट है, जंगली बिल्ली है, इसका नाम है फेलिस चाउस। ये देखिएगा, अब दो अलग अलग जो जीनस हैं, एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज हैं, कौन सी स्पीसीज है, लियो है, टाइग्रिस है, पार्डस है, तो एक जीनस के अंदर में बहुत सारी स्पीसीज है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइग्रिस है, लियो है और पार्डस है, इनमें आपस में ज्यादा सिमिलरिटी होगी कंपेयर टू अनदर जीनस जिसको हम बोलते हैं फेलिस बच्चों, तो इनमें आपस में ज्यादा सिमिलरिटी होगी कंपेयर टू द पैंथेरा जीनस। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, एक जीनस के अंडर में बहुत सारी फैमिली हो सकती है, सॉरी बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, तो अगर एक ही स्पीसीज है तो उसको हम बोलते हैं मोनोटिपिक, जैसे होमोसैपियंस उसको मोनोटिपिक बोलेंगे, और एक से ज्यादा भी हो सकती है उसको हम बोलते हैं पॉलीटिपिक, जैसे पैंथेरा और सोलेनम, पैंथेरा के अंडर में देखो बहुत सारी आ गई, सोलेनम के अंडर में दो आ गए। जबकि ये जो जीनस और स्पीसीज का नाम रखना है बच्चों, जीनस प्लीज रिपीट दीपक कुमार, जीनस बेटा ऐसा होता है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जीनस क्या होगा, जो स्पीसीज है ना, तो बहुत सारी स्पीसीज को हम एक जीनस में रख देते हैं, रिलेटेड स्पीसीज को एक जीनस में रखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो टाइगर, लायन और तेंदुआ या लेपर्ड, इन तीनों को हमने, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, इन तीनों को हमने एक जीनस में रख दिया। जबकि कैट फैमिली देखिए, ये जो कैट वाले जंगली बिल्ली है और आपकी घरेलू बिल्ली है, इसको हम दूसरे जीनस में रख देते हैं, उसका नाम है फेलिस। ओके, किसी को और भी कंफ्यूजन है बच्चों, इज देयर एनी क्वेश्चन, तो हम जीनस से आगे बढ़ें। तो अगर एक ही जीनस, कोई भी जीनस है उसके अंदर में एक ही स्पीसीज आती है तो हम उसको मोनोटिपिक बोल सकते हैं, एक से ज्यादा आती है बच्चों तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, पॉलीटिपिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम जीनस, बहुत सारे जीनस को जो रिलेटेड जेनरा होंगे, आप जीनस बोलिए या जेनरा बोलिए, तो जो रिलेटेड जीनस हैं, जैसे रिलेटेड स्पीसीज को किसमें रखा हमने, जीनस में रखा, तो ऐसे रिलेटेड जीनस को हम किसमें रख देंगे बच्चों, फैमिली में रख देंगे। तो फैमिली में जब आगे रखेंगे तो देखिएगा, एक हायरार्की आपको बताई थी, स्पीसीज बहुत सारी स्पीसीज को किसमें रखेंगे, जीनस में, बहुत सारे जीनस को किसमें रखेंगे बच्चों, फैमिली में। तो फैमिली देखते हैं, जैसे देखिएगा, तो अगर हम देखें चंदन, सवाल आपका क्लियर हुआ कि जीनस और स्पीसीज क्या है, वाओ वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है, आप बस पढ़ते रहिए और मैं ट्राई करता रहूंगा आपको पढ़ाने के लिए, है ना। तो रियल में जो एग्जिस्टेंस होता है दुनिया में, जो पाए जाते हैं वो स्पीसीज पाई जाती है, जीनस जैसा कुछ होता नहीं है। अब आपको बोले कि होमो पकड़ के लाओ, होमो कहाँ है या पैंथेरा कहाँ है, आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर ये बोला जाए कि होमो सैपियंस, तो उसका एग्जिस्टेंस है रियल में, है ना। तो फैमिली देखते हैं बच्चों, तो फैमिली क्या करेंगे, अब जो बहुत सारे जीनस है जो रिलेटेड है, जो जीनस में सिमिलरिटी ज्यादा है ना, उनको हम एक फैमिली में रख देते हैं। जैसे हमारे घर की फैमिली, हम सारे लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया। मैं एग्जांपल देता हूं, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा।
गुड इवनिंग दीक्षा। तो फैमिली देखिएगा बच्चों, फैमिली देखेंगे इन एनिमल। अब एक इस जीनस में जितना सिमिलरिटी होगी ना, उतना दो फैमिली में नहीं होगी। जैसे जैसे आप टॉप पे जाएंगे सिमिलरिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप स्पीसीज की तरफ जाएंगे सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो इन एनिमल सच एज लायन, लेपर्ड, टाइगर, जगुआर फ्रॉम जीनस पैंथेरा एंड कैट फ्रॉम जीनस फेलिस आर इंक्लूडेड इन द फैमिली फेलिडी। अब देखो यहां से क्लियर करता हूं आपको, ये देखिए एक प्लांट का एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, और एक आपको किसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, एनिमल का। देखिएगा तो अभी हमने आपको दो जीनस की बात करी थी ना, एक जीनस बताया था पैंथेरा का, जिसमें लायन, टाइगर है ना और लेपर्ड के बारे में बताया था, वो पैंथेरा में आ गए थे। एक जीनस बताया था फेलिस। तो जीनस जो फेलिस है इसके अंडर में दो एग्जाम्पल सिर्फ दिए थे मैंने, एक डोमेस्टिक कैट और एक आपकी जंगली बिल्ली, ये दोनों का एग्जाम्पल आपको दिया था। तो इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है, पैंथेरा में जीनस में और फेलिस में ये रिलेटेड है, तो इनको एक फैमिली में रख दिया हमने और उसका नाम रख दिया फेलिडी। क्या नाम रख दिया बच्चों, फेलिडी, फैमिली फेलिडी। तो फैमिली फेलिडी के अंदर में दो जीनस पैंथेरा और फेलिस, और जीनस पैंथेरा के अंदर में तीन बताए आपको, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पर्डिस एंड पैंथेरा टाइग्रिस, और फेलिस के अंदर में दो एग्जाम्पल आपको। अब आपको हायरार्की समझ में आ रही होगी बच्चों, याद करिए कि जो स्पीसीज थी वो कितनी बताई थी आपको, तीन, तीनों स्पीसीज को जो किसमें रख दिया था हमने, टाइगर, लायन और लेपर्ड को किसमें रख दिया हमने, पैंथेरा में रख दिया। ऐसे फेलिस के अंदर में एक जंगली बिल्ली थी, एक नॉर्मल बिल्ली थी आपकी डोमेस्टिक, उन दोनों को इस जीनस में रख दिया हमने, फेलिस में। अब पैंथेरा और फेलिस को मिला करके हमने एक फैमिली बना दी और उसको बोल दिया फैमिली फेलिडी। एकदम क्लियर हो रहा है बच्चों, चेतन? रैंकिंग इक्वल टू हायरार्की, रैंकिंग इक्वल टू कैटेगरी बोल सकते हो बेटा। सारी जो कैटेगरीज हैं आप स्पीसीज, जीनस, फैमिली, उसके ऊपर ऊपर जितना जाओगे तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली को कैटेगरी बोलते हैं या उसको रैंक भी बोलते हैं। और उन सबका जो ऑर्डर है कि भाई पहले स्पीसीज आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर फैमिली आएगी, तो उसके ऑर्डर को बच्चों हम बोलते हैं क्या, हायरार्की। तो चेतन आई थिंक आपको क्लियर हुआ, तो हायरार्की इज नॉट इक्वल टू रैंकिंग। ओके, रैंकिंग बोली या कैटेगरी बोली है ना, एक चीज है, और उनका जो ऑर्डर है, जो फ्रेमवर्क है कि किसके बाद क्या आएगा, उसको बच्चों हम हायरार्की बोलते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आप, फिर आपके बच्चे, तो एक हायरार्की है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आपके दादाजी से आपके पिताजी आए और हमसे हमारे बच्चे आएंगे, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है ऑर्डर है, वो रैंक या कैटेगरी फिक्स है, उनका ऑर्डर क्या है उसको क्या बोलते हैं, हायरार्की। सो कंफ्यूज मत करना बच्चों कि रैंकिंग और हायरार्की अलग अलग होता है, दोनों एक ही होता है। वेरी गुड, चलिए तो 26 बच्चे मुझे देख रहे हैं सिर्फ, ये तो 100 जो होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, जल्दी से 100 क्रॉस कराओ यार इसको। तो फैमिली देखिए, दूसरा जीनस देखो बच्चों, सोलेनम। सोलेनम के एग्जांपल आपको नहीं बताया था अभी, सोलेनम ट्यूबुलोसम, तो मतलब एक पोटैटो बताया था और एक एग प्लांट बताया था, है ना। ऐसे पेट्यूनिया, पेट्यूनिया भी एक जीनस है, उसमें भी बहुत सारी स्पीसीज है। ऐसे डेटूरा, डेटूरा में भी बहुत सारी स्पीसीज है, तो वो सबको अलग अलग जीनस है, है ना। ये जीनस सोलेनम में बहुत सारी स्पीसीज, जीनस पेटूनिया में बहुत सारी स्पीसीज, जीनस डेटूरा में बहुत सारी स्पीसीज, और उन सारी जीनस को हमने एक फैमिली में रख दिया, उस फैमिली को हमने बोल दिया सोलेनेसी। एकदम क्लियर। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम जीनस और स्पीसीज पढ़ते हैं बच्चों, तब उसका सफिक्स नहीं होता, उसका कि मतलब लास्ट में सरनेम क्या लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन लेकिन जब भी हम फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली के पीछे पक्का है एक चीज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जैसे प्लांट की जब हम बात करेंगे तो प्लांट की जो फैमिली है वो हमेशा एसी से लास्ट में उसके एसी आना चाहिए। तो जब भी आप प्लांट के बारे में कोई चीज, फैमिली के बारे में पढ़ोगे तो एसी आएगा। एग्जाम्पल देखो सोलेनेसी, देख रहे हैं आप सोलेनेसी, तो ये जो एसी है ये कंपलसरी होनी चाहिए जब आप फैमिली लिखेंगे बच्चों। दूसरा आया सब फैमिली, आपको बताया था इनको इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं, अगर सब फैमिली कोई होगी तो ओईडी आनी चाहिए, ओईडी। अभी जब हम आगे चल के, अभी तो चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, आगे चल के जब हम बहुत सारा पढ़ेंगे
प्लांट फैमिली वगैरह के बारे में, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि चैप्टर वन बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट रखते हैं। तो फिर लगेगा सर 15 दिन से पढ़ा रहे हैं, अभी चैप्टर वन ही खत्म नहीं हुआ, इसको एज सून एज पॉसिबल इस सैटरडे को मैं चैप्टर को मैक्सिमम इस सैटरडे तक आपको ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। और आपको एक चीज बता दूं, मंडे को, तो सैटरडे आपको लेक्चर खत्म हो जाएगा और मंडे को क्या होगा, संडे को मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे बाहर जाना है, तो मंडे को आपका एक टेस्ट सीरीज रखा है मैंने, जिसमें आपको चैप्टर वन का टेस्ट आप दे सकते हो। तो मंडे को चूंकि लेक्चर नहीं होता, तो मंडे को सेम टाइमिंग पे 5 to 6 आपको मैं लिंक भेजूंगा और आप टेस्ट दे पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर वन आपने कितना अच्छा से पढ़ाया। अनामिका इज आस्किंग समथिंग, अनामिका पिट्यूनिया को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता बेटा, आप हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं मेरी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो आप बेटा गूगल कर लो, आपको मैं बता देता हूँ, एक आपके मोबाइल में एक ऐप है जिसको बोलते हैं हिन खोज, HINKHOJ, मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में, HINKHOJ हिन खोज, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप उसमें कोई भी इंग्लिश डालोगे आपको फटाक से बता देगा। तो इतना टिपिकल हिंदी में थोड़ा आई एम सो सॉरी, लेकिन आप सर्च कर लेना है ना। ओके अनामिका इज इट क्लियर, थोड़ा अभी मेहनत करो, मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा करो बेटा, है ना, टुगेदर वी कैन ग्रो। ओके तो जो प्लांट के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांट की जो फैमिली है उसके लास्ट में क्या आता है, तो आप याद कर लो AC आता है, और सब फैमिली अगर है तो OED आता है। एनिमल के केस में अगर हम बात करें, अभी तुमने प्लांट की बात किया उसमें AC और OED आता है, लेकिन अगर एनिमल की हम बात करें बच्चों तो उसमें ID आता है। जैसे यहाँ पर देखो फैमिली, क्या नाम रखा हमने, फेलिडी, तो फेलिडी है तो उसके पीछे क्या आ रहा है, ID आ रहा है, IDAE, जैसे फेलिडी, कैनिडी, और अगर सब फैमिली है तो NAE आएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, यस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होगा बेटा, NAE जो भी आपका टेस्ट सीरीज होगा उसमें हम वही क्वेश्चन आपको देंगे जो इससे पहले, आज के पहले जितने सारे नीट के एग्जाम हुए हैं, या UPC PMT हुआ है, या Bihar PMT हुआ है, या Delhi PMT हुआ है, या AIIMS का एग्जाम हुआ है, या कोई भी एग्जाम हुआ है, FMC हुआ है, उसके जो क्वेश्चन आए होंगे लास्ट ईयर में, वही क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा आइडिया कि आपको कितना अभी तक समझ में आया है। ठीक है, सो NAE फॉर सब फैमिली, सो अगर सब फैमिली है तो पैंथ्रिनी और फेलिनी लिखे आएगा, NAE लास्ट में आएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं, ये फेलिडी है, देखिएगा ये फेलिडी है, फेलिडी को हम बोलते हैं कैट फैमिली, सब फैमिली बेटा। अभी सब फैमिली का मतलब आपको ये बताया था बच्चों कि जब मैंने आपको बताया था, आप याद करिए इससे पहले के लेक्चर अगर आपने अटेंड किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं बच्चा, Part 1, 2, 3, 4, 5, 7 and so forth अप टू 8, आज 8 भी मैंने अभी रिकॉर्ड कर दिया है, जो कल लाइव सेशन किया था मैंने उसका अलग से, क्योंकि लाइव सेशन में तो बहुत सारी इधर उधर की बातें होती हैं, तो लाइव सेशन कोई दोबारा सुनने जाएगा तो बोर हो जाएगा, एक घंटे क्यों बैठेगा छोटी सी बात समझने के लिए, क्योंकि इसमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो मैं आंसर देता हूँ, तो मैंने अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है और उसका पार्ट 8 मैंने अपलोड कर दिया है, कल 7 बजे आपको लाइव दिख जाएगा। तो उसमें मैंने बच्चों बताया था कि 7 obligate कैटेगरी होती है, वो तो होना ही चाहिए, उसके अलावा इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती हैं, सब फैमिली, सब डिवीजन, है ना, सब क्लास, तो वो चीज़ें भी डाली जा सकती हैं। तो सब फैमिली वगैरह के बारे में और डिटेल में जब आगे चलेंगे बच्चों तो बताएंगे कि फैमिली के, एक फैमिली के अंदर में बहुत सारी क्या होती है बच्चों, एक फैमिली के अंदर भी बहुत सारी सब फैमिली हो सकती है। ओके पुष्पित प्रबल ने आंसर दिया है, पेटूनिया को संध्या मालती बोलते हैं, बोलो संध्या मालती है, संध्या अलग लड़की हो गई, मालती अलग लड़की हो गई, ठीक है संध्या मालती बोलते हैं, इससे अच्छा तो पेटूनिया ही पढ़ लो भाई, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालो, मैं जानता हूँ आप में से सारे लोग मैक्सिमम एक दो को छोड़ के, अभी 32 लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के CBSE बोर्ड से हैं, बाकी जो मेरा पर्पज है ये लाइव क्लास शुरू करने का, वो पर्पज सिर्फ इतना है कि जो गांव में बच्चा बैठा हुआ है जिसको रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, मेरा टारगेट वो बच्चे बिल्कुल नहीं है जो पैसे वाले हैं, जो आकाश में, जो रेजोनेंस में, जो LN में जाके एडमिशन ले सकते हैं, जो लाखों रुपए खर्चा कर सकते हैं, मेरा टारगेट ऑडियंस वो बच्चे हैं जो उतना एफर्ट नहीं कर सकते और फिर भी
उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, उन बच्चों के लिए मैंने काम शुरू किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास पैसे वो पढ़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है भाई, ये ओपन रखा है, कोई भी पढ़ सकता है ना। तो कुछ चीजों को आप लोग यूपी बोर्ड से, मैं समझ सकता हूँ कि उसमें बड़ा अजीब अजीब नाम होता है ना, हिंदी में आप पढ़ने जाओगे, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कभी हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए भी कभी भी हिंदी शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हिंदी में इतने खतरनाक नाम होते हैं कि क्या क्या, मैमल बोल, सिंपल मैमल है उसको बोलते हैं, स्तनधारी, कसेरुकी, और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं उल्टे पुल्टे। इससे अच्छा है बच्चों अभी आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश की तरफ कोशिश करो जाने की, है ना, क्योंकि आगे चल के आप जब भी एमबीबीएस भी करोगे ना बेटा, तो उसमें भी इंग्लिश में ही पढ़ाएगा सबको। तो ये टाइम है, एक बफर टाइम है जिसमें आप शिफ्ट कर सकते हो धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ। दीपक बोल रहे थैंक्स सर हम लोग को पढ़ाने के लिए और हम लोग को समझाने, और ठीक है वो मेरी ड्यूटी है बेटा, ये मेरी एक, मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानता हूँ, मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेकिन यह 5 to 6 का टाइम मैंने आपके लिए दिया है ताकि एक अच्छी एजुकेशन, मैं इतना लकी नहीं था कि कोई मुझे इस तरह मेरे टाइम पे पढ़ाता तो शायद मेरी बायोलॉजी और अच्छी होती, लेकिन आप लोग इतने लकी हो कि घर बैठ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपकी लक है, मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपका लक तो मैं अच्छा बना लूंगा, बायोलॉजी अच्छा पढ़ा लूंगा। ओके सो फैमिली सोलेनेसी, थैंक यू सरमा, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो ठीक है बच्चों, देखिए फैमिली सोलेनेसी और फैमिली फेरिटी बताया ना आपको, चलो कहाँ थे हम, वापस चले गए, अब क्या पढ़ा रहा था मुझे याद नहीं रहा, चलो खैर आप लोगों के जवाब देते देते। तो फेरिडी देखा बच्चों, तो फेरिडी है, आप देख सकते हो कि जितनी भी कैट फैमिली के लोग हैं, ये सारे के सारे कैट फैमिली है, जो भी आपका जगुआर है, लायन है, टाइगर है, ये सारे कैट फैमिली में आते हैं। और दूसरी उसको फेरिडी बोलते हैं, जैसे डी ए ई लास्ट में आना चाहिए। और दूसरा जिसे बोलते हैं कैनिडी, कैनिडी मतलब डॉग फैमिली है बच्चों, डॉग फैमिली, डॉग फैमिली में जितने सारे डॉग्स टाइप के होते हैं, लाइक आप देख सकते हो डिंगो, जैकॉल, कोएट, किट फॉक्स, ग्रे फॉक्स, रेड फॉक्स, मेड वोल्फ, टिम्बर वोल्फ, डोमेस्टिक डॉग, ये सारे किस में आते हैं बच्चों, ये आते हैं अपने कैनेडी फैमिली में। तो आगे चलते हैं बच्चों, कैनेडी फैमिली से ऊपर, फैमिली के ऊपर क्या आएगा बच्चों, आपको बताया था कि शॉर्टकट याद करने के लिए बताया था, कीप पॉट क्लीन, कीप मींस किंगडम, पॉट मींस फाइलम या डिविजन, क्लीन मींस क्लास और मींस ऑर्डर, है ना। और फैमिली, गॉड, फैमिली से फैमिली हो गया, गॉड से क्या आ गया बच्चों, जीनस, और सिक्स से क्या आ गया, स्पीसीज। तो बहुत सारे जो निमोनिक्स हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, अभी डिपेंड करता है कि आप कौन सा आपको मजा आता है, कौन सा आप याद रख पाते हो। तो ऑब्वियस है कि पहले स्पीसीज आएगा, फिर जीनस आएगा, बहुत सारे जीनस को मिलाओगे बच्चों तो फैमिली आ जाएगा, और बहुत सारे फैमिली को मिलाओगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे और वो हो जाएगा ऑर्डर। तो अब देखो बच्चों, ऑर्डर इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, ऑर्डर, ऑर्डर को बच्चा मैं हिंदी में नहीं जानता हूँ, ऑर्डर, ओ आर डी आर, ऑर्डर, है ना। तो स्पीसीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर क्या हुआ बच्चा, फैमिली, और फैमिली के ऊपर क्या हुआ, ऑर्डर। अब ऑर्डर में क्या होगा, बहुत सारी फैमिलीज को क्या बना दो बेटा, बहुत सारी फैमिलीज को बना दो आप, क्या बहुत सारी फैमिली, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज आ जाएंगी। और चेतन बता रहे हैं कि ऑर्डर को गढ़ बोलते हैं, बताओ, मैं हिंदी रेस्पेक्ट करता हूँ, हिंदी ही बोलता हूँ, लेकिन अभी साइंस की चीजों को अपने को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा बेटा, अब गढ़ और क्या क्या पढ़ने जाएंगे वो तो बड़ा मुश्किल है। राजा कुमार सारी चीजें लिख रहे हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये इसका ऑर्डर जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सो ऑर्डर इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज रिजेंबलिंग वन अनदर इन अ फ्यू कैरेक्टर, जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे धीरे धीरे कैरेक्टर जो सिमिलरिटी हो कम होती जाएगी। तो यह ऑर्डर लेके आए कार्निवोरा, कार्निवोरा में दो फैमिलीज हम एग्जाम्पल के लिए रखते हैं, जैसे कैनेडी और फेरेडी, जो अब कैनेडी फेरेडी बताई ना, कैनेडी एक बताया डॉग फैमिली, फेरेडी क्या बताया, कैट फैमिली। तो ये कैट फैमिली वाले जितने हैं वो सारे कैसे कैनेडी में, आई मीन कैट वाले किस में आते हैं बच्चों, तो कैनेडी में आएंगे, या मैं रुको कैनेडी डॉग, डॉग वाले कैनेडी में आएंगे, और जो कैट है वो फेरेडी में आएगी, है ना। तो वो एक ही ऑर्डर में आ जाएंगे और उनको हम बोलेंगे कार्निवोरा। अब यहाँ पर एक चीज और याद कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर और भी देखो, पहला क्या है ऑर्डर कार्निवोरा, जो ऑर्डर कार्निवोरा है उसके अंदर मैं आपको बताया क्या क्या आ रहा है, फैमिली फेरेडी और फैमिली कैनेडी। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना कि जितने भी ऑर्डर होते हैं, अगर प्लांट की हम बात करें, प्लांट में, एनिमल में नहीं देखते हम, प्लांट में देखो, प्लांट में जितने सारे ऑर्डर होंगे उनके पीछे एल लिखा होगा, ए एल ई एस, याद करना,
तो जैसे प्लांट फैमिली है लाइक कन्वोल्यूसी, एक फैमिली है कन्वोल्यूसी, आपको अभी सोलनेसी तो बताया था, सोलनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल। तो ये दो फैमिली है कन्वोल्यूसी और सोलनेसी, इन दोनों फैमिली को मिला के हम एक ऑर्डर में बात कर लेते हैं और उसको बोलते हैं पॉलीमोनियल। और फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली को एग्जाम में हमने किसमें रख दिया बच्चों, कॉर्निवोरा। कुछ क्वेश्चंस में देख लेता हूँ। जिज्ञासा पूछ रही है, सर कैन बी सेड दैट ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज हैविंग लेस सिमिलरिटीज कंपेयरिंग टू फैमिली। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। कन्वोल्यूसी का एग्जाम्पल वगैरह इतना सारा याद नहीं है मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। धीरे धीरे हम जब हम आगे फैमिली बताएंगे प्लांट तो हम बताएंगे आपको, अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल, अभी याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर हमारा सिर्फ फोकस है बेटा कि हम आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताएं, और जब हम आगे प्लांट फैमिली पढ़ेंगे तो इनको भी उड़ा देंगे एकदम, सब बता देंगे, आप चिंता मत करो, बस आप मेरे साथ बने रहो, ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे क्लास। अब बहुत सारे ऑर्डर आ गए हमारे पास, है ना। अब एक ऑर्डर में बहुत सारे ऑर्डर को मिला के एक क्लास बना देंगे, है ना। तो क्लास, क्योंकि आप जितनी सारी फैमिली बताते जाऊंगा ना, वो मामला बहुत बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, और फिर जब हमारा प्लांट फैमिली पढ़ाने का होगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो अभी के लिए सिर्फ याद करिए स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ऑलराइट, तो बहुत सारे ऑर्डर को मिला के हमने क्या रखा बच्चों, हमने रख दिया क्लास। तो इट इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मेड अप ऑफ वन आर मोर रिलेटेड ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर को देख लेते हैं। पहला ऑर्डर आपको जैसा बताया कॉर्निवोरा भी बताया था ना, ऐसे एक और ऑर्डर ले लेते हैं अलग से, रोडेंसिया। रोडेंट चूहे वगैरह आते हैं ना, माउस वगैरह। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्थार्थ इज ऑर्डर डिराइव ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फूड ईटन लाइक कार्निवोरा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कार्निवोरस में क्या होता है, वो जो नॉनवेज खाते हैं, है ना। तो कोई भी कैरेक्टर की बेसिस पर, वो मैं सारी चीजें आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ कैटेगरीज पे कि किस बेसिस पर हम इसको रखते हैं। तो कॉर्निवोरा मतलब ईटिंग हैबिट के बेसिस पर रखा गया है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे पास, बहुत सारा बैकग्राउंड नॉलेज भी इनके पास, बहुत मजा आ रहा है मुझे। और इवन मैं 9 o'clock को ऑफिस आता हूँ और तब से मैं थक जाता हूँ 5 बजे, लेकिन आप लोगों से अलग से पढ़ के थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस, अलग से एनर्जी मिलती है और मजा आ रहा है मुझे भी। बस आपको ये क्लास को थोड़ा पॉपुलर बनाना है ताकि जितना ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और उतना ज्यादा क्लास इंटरैक्टिव होगी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो क्लास क्या होगा बच्चों, तो बहुत सारे ऑर्डर को मिला के क्लास, लाइक कॉर्निवोरा, रोडेंसिया जो रोडेंट होते हैं, इंसेक्टिवोरा है ना जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो इंसेक्टिवोरा हो गए, तो इंसेक्टिवोरा। और दूसरा, और जो क्लास होगा, क्लास के पीछे क्या लिखा होगा प्लांट के केस में, ये याद कर लेना बच्चों, फाइएसी, ऑप्सिडा एंड एई इन प्लांट्स। तो जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो उनके पीछे लास्ट में जब क्लास होगा तो फाइएसी होना चाहिए या ऑप्सिडा होना चाहिए या एई होना चाहिए। किसके केस में, क्लास के बारे में। इतना नहीं याद करोगे तो मुझे लगता है इतना डीप में कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेफर साइड के लिए बच्चों याद कर लेना। जबकि एनिमल के केस में, एनिमल वाले बढ़िया है, ज्यादा याद नहीं करवाते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं है। जैसे क्लास एम्फीबिया है तो देखो, एम्फीबिया के क्लास में देखो बहुत सारे ऑर्डर हैं, लाइक एपोडा, यूरोडेला, एन्यूरा, ये सब ऑर्डर हैं। अभी क्या है इसके एग्जाम्पल्स क्या है आगे चल के हम बताएंगे एक एक करके। तो इसमें देख सकते हो जो क्लास एम्फीबिया है, इसमें एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा है, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसके सफिक्स जो है एनिमल के केस में कोई सफिक्स नहीं होता है। तो क्लास के ऊपर पढ़ेंगे बच्चों क्या आएगा, देख लो यहाँ पर क्लास मैमेलिया है ना, तो उसके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं। जैसे अब मैमेलिया उसके आगे बढ़ जाते हैं क्लास, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं। तो क्लास मैमेलिया के पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, जैसे कौन सा है, जैसे कॉर्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेट है, उसके एग्जाम्पल है मैन, गोरिल्ला, मंकी, रोडेंसिया है ना, रोडेंट बताया था, चूहे वगैरह जो कुतर खाते हैं वो कौन से हो गए, रोडेंट हो गए। इंसेक्टिवोरा मतलब जो चिड़िया खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब इनके पास कॉमन क्या है, मैमेलिया के पास कॉमन कैरेक्टर क्या है, कि जितने सारे मैमल्स हैं उनके पास ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड होगी, स्तनधारी हैं वो, एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, बारीक कान होंगे और हेयर्स होंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे जो कैरेक्टर्स हैं कॉमन वो घटते जाएंगे। रोडेंसिया बताया बेटा, जो रोडेंट होते हैं, रोडेंट्स मतलब चूहे, तो चूहे के कान देखे ना आपने, चूहे का कान होता है ना, कुतर कुतर के खाता है ना। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, अब बहुत सारे अभी तक हमने पढ़ा क्लास,
और क्लास बहुत सारे क्लास को मिला दो तो बन जाएगा आपका फाइलम, है ना, फाइलम। तो फाइलम, और अगर हम प्लांट की बात करेंगे बच्चों, तो बन जाएगा आपका, प्लांट के केस में उसको बोलते हैं डिविजन, तो एनिमल के केस में उसको फाइलम बोलेंगे और प्लांट के केस में उसको हम क्या बोलेंगे, डिविजन। ये जरूर याद रखना। अर्थिका खलमानिया, वाह, वेरी गुड बच्चों। और कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। अब देखते हैं फाइलम में क्या होगा, बहुत सारे क्लास रख देंगे हम एक में। फाइलम और डिवीजन कंसिस्ट ऑफ वन टू सेवरल रिलेटेड क्लासेस हैविंग सम सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। एग्जांपल देखिए, जैसे फाइलम है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है और कॉर्डेटा, उनको कॉर्डेटा बोलते हैं, है ना। इसके बारे में और भी बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, अभी सिर्फ सिंपल आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि जिसके पास रीढ़ की हड्डी जो होती है, बैकबोन होती है, उसको कॉर्डेटा बोलते हैं। तो उसके अंदर में क्या होगा, पीसीस। पीसीस में क्या आएगा बच्चों, पीसीस मतलब मछलियां, है ना। पीसीस क्या बोलते हैं बच्चों, मछलियों को किसमें बोलते हैं, फाइलम पीसीस। तो जितनी फिश हैं वो पीसीस में आ जाएंगे। एम्फीबिया, है ना, एम्फीबिया में क्या जाएगा, एम्फीबिया मतलब क्या होता है, एम्फीबिया में क्या होता है कि वो पानी में भी रह लेंगे और जमीन में भी रह लेंगे। अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए क्या चाहिए, उनको दोनों चाहिए, एम्फीबिया। जैसे मेढक, है ना, तो मेढक को क्या चाहिए, पानी भी चाहिए और वो प्लेन पे भी रह सकता है, लेकिन जो उसका फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, जो अंडे देगा वो कहाँ पे देगा, वो प्लेन पे नहीं देगा भाई, मेढक अंडे खुले में थोड़ी देगा। हाँ, फ्रॉग, अच्छा बिल्कुल सही बात है, तो वो अंडे पानी में देगा और वहीं पे मेल और फीमेल मेट करेंगे, वो उसके ऊपर स्पर्म डाल देगा और फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें छोटे छोटे जैसे क्या आएंगे, टैडपोल आएंगे, वो पानी में रहेंगे और धीरे धीरे जब वो डेवलप कर जाएंगे बच्चों, तो फ्रॉग में बदल जाएगा। अब फ्रॉग क्या हो जाएगा, जब डेवलप हो जाएगा तो प्लेन पे भी आके कूदेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्रोकोडाइल, यस, तो क्रोकोडाइल देखो पानी में भी रहता है, बाहर आराम करता है, बाहर भी आके करता है, धूप सेकना हो तो बाहर आता है और जब खाना पीना खाना होता है तो वहां चला जाता है। सो फाइलम और डिवीजन कंसिस्ट ऑफ वन टू सेवरल रिलेटेड क्लासेस हैविंग सम सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। जैसे फाइलम कॉर्डेटा में आएंगे, क्लासेस में कौन कौन से क्लास आएंगे, पीसीज मतलब मछलियां, एम्फीबिया हो गया बच्चों, एम्फीबिया को मुझे याद आया, उभयचर बोलते हैं, उभयचर हिंदी में, चलो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्रोकोडाइल, एकदम गलत बताया मैंने, आई एम सो सॉरी, ये जो क्रोकोडाइल होगा रेप्टाइल्स में आता है, रेंग के चलता है, सो सॉरी, क्रोकोडाइल होगा रेप्टाइल्स में आता है, वो एम्फीबिया में नहीं आता है, एम्फीबिया में आपका क्या आएगा, मेढक आएगा, सो सॉरी, प्लीज मेक द करेक्शन दैट क्रोकोडाइल इज डोंट कम्स अंडर द एम्फीबिया, ए रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल है, ओके। सो एम्फीबिया का फ्रॉग आ गया बच्चों, और रेप्टाइल्स में, ए रेप्टाइल्स में आपका क्रोकोडाइल आ गया। एव्स, एव्स में बच्चों क्या आ गया, एव्स में आ गई आपकी, आपके जो बर्ड्स हैं, बर्ड सारे किस में आ गए, एप्स में आ गए, तो एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल था ना, तो मैं फ्लो में दोनों बोल गया, तो एम्फीबिया में उभयचर हो गया, रेप्टाइल में, रेप्टाइल को मेरे ख्याल से सरीसृप बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो चलते हैं ऐसे रेंग के चलते हैं, रेप्टाइल, रेप्टाइल्स ना रेंग के चलते हैं, दो क्रोकोडाइल कैसे चलता है, रेप्टाइल्स में देखिए छिपकली भी आपके घर में जो है वो आ जाएगी, एप्स में क्या आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा, वेरी गुड, और जो मैमल है वो स्तनधारी हो गए, तो ये सारे आपके आ गए फाइलम के अंदर। और अब सारे फाइलम देखो उनके अंदर क्या होंगे, कैरेक्टर्स क्या होंगे बच्चों, ऑल क्लासेस एट सम स्टेज इन देयर लाइफ हैव सम कॉमन कैरेक्टर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये सब क्या होते हैं आगे चल के बताने वाले हैं, नोटोकॉर्ड क्या होता है, वर्टिब्रा क्या होता है, सब बताएंगे। उनका डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होगा, फायरिंग्स होगा परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स। और यहाँ पर एक चीज और याद कर लो, प्लांट में जो डिविजन होता है उसके पीछे फाइटा लगा होता है, फाइटा, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रायोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा, तो उनके पीछे फाइटा लगा होता है प्लांट्स के डिवीजन के लास्ट में, और सब डिवीजन है अगर तो फाइटिना लिखा होगा, याद कर लेना, मैंने सबको हाईलाइट करके रखा हुआ है। और जबकि एनिमल के केस में बड़ा बढ़िया है, एनिमल के केस में कोई दिक्कत नहीं, जैसे पोरीफेरा, एनिमेला, निडेरिया, एनिमलिया, सॉरी पोरीफेरा, एनेलिडा और निडेरिया, इसमें कोई सफिक्स फिक्स नहीं है, तो ये बढ़िया है। परफोरेटेड मतलब बच्चा जिसमें छेद होते हैं, होल होल होते हैं ना, नाम क्या, उसको परफोरेटेड बोलते हैं, है ना, जैसे आपके घर की चलनी होती है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारे छेद होते हैं ना, होल होल, परफोरेटेड, एरेटेड होता है, उसको परफोरेटेड बोलते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, आप चिंता ना करें, विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। आगे चलते हैं बच्चों, लास्ट, अब हम अपने लास्ट पे पहुंच रहे हैं, किंगडम।
और लास्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 1 खत्म करेंगे। सारे के सारे फाइलम और डिवीजन को मिला करके हम बोल देंगे किंगडम, किंगडम एनिमलिया, मतलब जितने सारे एनिमल होंगे वो किंगडम एनिमलिया में आ जाएंगे, है ना। इन जनरल इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म व्हिच शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर। दिस द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और प्लांट को हम सारे प्लांट्स को प्लांट किंगडम में रखेंगे और सारे एनिमल्स को किस में रख देंगे, एनिमल किंगडम। तो ये रही बच्चों यस यस बिल्कुल दीपक सही बोल रहे हो आप। वो पोर बियरिंग एनिमल होते हैं जो आप बात कर रहे हो ना, पोरीफेरा का, उनको बोलते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है। तो किंगडम लास्ट में आ गया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और इस तरीके से हमने खत्म किया आपका चैप्टर नंबर 1। अब ये पार्ट 9 जो मैं अपलोड करूंगा, चूंकि क्लासरूम टीचिंग है और नॉर्मल जो रिकॉर्डिंग करूंगा पार्ट 9 वो आपको परसों मिलेगा, पार्ट 8 कल मिलेगा। और इस तरह से हम चैप्टर, अब आप क्या काम करिए, नोट्स आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, अब आप क्या करिए, पढ़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए। हम सैटरडे को चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 की स्टार्टिंग करेंगे बच्चों। और मंडे को आप एकदम जी जान लगा दीजिए, देखते हैं आप लोगों के स्कोर कैसे आते हैं। तो मंडे को आपका टेस्ट होगा बच्चों, सैटरडे को हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर आपने चैप्टर में कुछ भी मिस किया है तो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मतलब टोटल जो आपका चैप्टर 9 है, जो चैप्टर 1 है लिविंग वर्ड्स, ये 9 पार्ट्स में मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है, पार्ट 7 तक अवेलेबल है यूट्यूब पे। और मैंने, चूंकि आप बोर ना हो जाए इसलिए मैंने जो रिकॉर्डिंग की है पार्ट वाइज की है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसमें मैक्सिमम जो टाइम है वो एक वीडियो मैंने सिर्फ आधे घंटे का रखा है, और मिनिमम कोई कोई तो 10-12 मिनट का ही रखा है, ताकि आप धीरे धीरे, अगर आपके पास एक स्ट्रेस में ना पढ़ना चाहें तो आप धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं। जब भी फ्री हो 10 मिनट का वीडियो देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चैप्टर 1 के लिए तैयार हो जाइए, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। मैं लिंक आपको 5-6 के बीच में शेयर करूंगा, एग्जैक्टली 450 जैसा मैं 455 का आपको लिंक दूंगा, उसमें आपका नीट में जैसे एग्जाम होता है वैसे आपका क्वेश्चन एक एक करके आते जाएंगे, और आपको लास्ट में जैसे एग्जाम खत्म होगा वैसे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो आप रेडी हैं, आप रेडी हो जाइए। अगर आपने अभी चैप्टर 1 मिस किया है, कोई भी लेक्चर मिस किया है, तो अभी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, आप सारे वीडियोस को देख डालिए और नोट्स को पढ़ लीजिए। आप और कोई बुक अगर पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक से भी पढ़ लीजिए बच्चों, और टेस्ट दीजिए आप मंडे को। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ कम से कम देखते हैं 20 क्वेश्चन तो रख देता हूँ, 20 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। चैप्टर 1 में 20 क्वेश्चन, चलो चैप्टर 1 में 20 क्वेश्चन पूछ लूँ, 20 क्वेश्चन, चलो 20 क्वेश्चन का होगा। और कोई क्वेश्चन है बच्चों? चलिए, चंदन का, चंदन का बर्थडे है, चलो हैप्पी बर्थडे चंदन, बहुत अच्छा करो, खुश रहो, मस्त रहो, डॉक्टर बनो, हाँ। और डॉक्टर से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो। डॉक्टर भी वो किसी भी काम का नहीं है जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए और आप अपना पास्ट भूल गए, आपने गरीबों की सेवा करनी छोड़ दी, आपने डॉक्टरी का जो धर्म होता है वो भूल गए, तो ऐसे डॉक्टर का कोई मतलब नहीं है। आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, डॉक्टर तो हमारा जो भी है आपका, आप मेहनत करेंगे तो बन ही जाएंगे, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बने जिसके अंदर दूसरों के लिए भी दर्द हो। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं सैटरडे को एट शार्प 5 o'clock विद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली ऑल्सो, सी यू ऑन सैटरडे। नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू बच्चों, बाय, नमस्कार, जय हिंद।